सो गाइस आज ही आ गई है बिल्कुल खतरनाक वाली बारिश। ये देखिए आज तो पूरे आंगन में पानी भी भर गया है। ये अब सुबह हुई बारिश, ये यहाँ पे बन गया है झरना, यहाँ पे स्विमिंग पूल। क्यों बारिश के मजे लेते हुए बच्चे, आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, पूरे आंगन में पानी भर गया। जाना बारिश में क्रिकेट है? बारिश में क्रिकेट खेलते हुए बच्चे। तो इसी के साथ करते हैं गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। हेलो है दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हमारे सुबह के 9:30 बजे से, और यार ऐसे मौसम के साथ कितना प्यारा मौसम हुआ है आज, ऐसा ही दिन भर रहता तो कितना अच्छा था, दिन भर ऐसी बरसात होती तो। गर्मी से हो गए हैं परेशान और नलों में पानी नहीं आ रहा है इसलिए ज़्यादा ही परेशान हो गए बच्चे। बरसात में भी खेलने के लिए बच्चे बारिश का और क्रिकेट का आनंद लेते हुए। मज़ा आ रहा है बारिश में क्रिकेट खेलने में? हाँ देव बॉल पानी में तैर रही है, गड़म चढ़म हो रही है, आ जाओ बैट्समैन, आ जाओ, गड़म चढ़म हो रही है। ऐसे ही लगातार रहती शाम तक बारिश तो कितना अच्छा था, खेतों में पानी पानी रहता, नलों में पानी, पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई आपकी, नलों पूरे सूख गए, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, और गर्मी से भी राहत मिलती, दिन भर होती रहे ऐसी ही बारिश, चलते हैं अंदर को, गड़म चढ़म भी बहुत हो रही है, बिजली चमक रही है। आप लोग क्या हो रही है? नहीं हो रही है बारिश हमारे यहाँ तो, हो रही है बारिश कल से, कल हुई लेकिन फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हुई, लेकिन आज और होने लगे, देखो कब तक होती है बरसात। गड़म चढ़म से डर के हमारा गोलू भी आ गया है अंदर, ये बहुत डरता है गड़म चढ़म से ना गोलू, ये बैठ जा, वैसे अंदर कभी नहीं आता है लेकिन आज इतनी गड़म चढ़म हो रही है ना, बैठ जा एक जगह बैठ जा। तो ये देखिए खेत पूरे भर के चारों तरफ हो गया है पानी ही पानी, नदी बन गई है खेतों में, आज तक एक बूंद पानी नहीं था और अब इतना चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। और बीच में जो दिख रहा है गाइस वो तालाब है, जो पेड़ के यहाँ पे दिख रहा है वो तालाब भी हो चुका है फुल, पूरे खेतों का पानी तालाब में ही जा रहा है इसलिए ज़्यादा जल्दी फुल हो चुका है पानी से तालाब। यह हमारा खेत भी पूरा भर गया, ये देखिए चारों तरफ नदियाँ पानी ही पानी। आज बहुत बारिश आ रही थी और मौसम भी अच्छा हो रखा है, तभी मम्मी बना रही है आज पकौड़े, आपको दिखाता हूँ। मम्मी बना रही है अभी पकौड़े, आज बच्चे का खाने का मन कर रहा है, गरम पकौड़े खाने का बारिश के मौसम को देखते हुए, मेरा तो जलेबी खाने का मन कर रहा है भाई, ला दो चलो फिर चलते हैं। चलते हैं कहाँ जाना, घर पर पकौड़े खाऊं, गरमा गरम दाल ले अभी पकौड़े, अब मिलते हैं आपसे जब पकौड़े बन जाएंगे खाते हुए खाते हुए। बन गए हैं गर्मा गर्म पकौड़ी प्याज और आलू के, और साथ ही खाना भी बन रहा है, इसमें बन गया है भात, इसमें बन रहा है दाल, तब तक खाना बनने तक कर लेते हैं पकौड़ी खाने के मजे। गाइस यहाँ पर रोहित भी आ गया है अपना मुंह छुपाते हुए, अपना मुंह छुपाते हुए, ये है, ये देख रहे हैं पंजाब के मूवी, क्या बोल रहा है देखो बस क्या बोल रहा ऐसे, और मम्मी की देखते हैं पकौड़ी बनने में, बन गई हाँ। कितनी बनी थोड़ी सी रह गई, ले जाओ इस से आ जा, ये बन रही है और थोड़ी सी रह गई है, तो फाइनली बनी गई है पकौड़ी, थोड़ी सी रह गई है तो दे देती हूँ बच्चों को, चटनी नहीं बनाई आज मैंने, खाना खाने का ही टाइम हो गया, बच्चों खा लो पकौड़ी, मम्मी आ जाओ भाई, सब बनाने लग गए हैं खाना पीना, पकौड़ी खा को क्या खाना पीना बनाते हैं, और आज आ रहे हैं दीदी नंदी सास और भांजी,
आज साहिल जा रहा है नानी के घर, नानी के घर के बुआ के घर। कब से हुई थी इसको जाने की, तो बना लेते हैं खाना फिर आएंगे, फिर जाएगा साहिल। तो साहिल की भी, साहिल ने भी कर दी पैकिंग बुआ के घर जाने के लिए, और पर्स से ये देखो गाइस, पर्स भी ले जा रहा है। हाँ, कितने रुपये ले जा रहा है पर्स में? 200। क्या करेगा, कुछ खाएगा? देव का देख के इसको भी शौक लगी है पर्स की। बुआ लोग भी आ गए, दिखा दे बुआ को भी पर्स। ये हमारी भांजी और हाँ, यहाँ पर है दीदी, घर जाने की तैयारी भी होने लग गई। आते ही इनको पहुँचा के आएंगे, पहले एक दीदी और आए छोटे वाले, तो इनको पहुँचा के आएंगे बच्चों को, ऋतु और साहिल को। तो बुआ के घर जा रहा है आज तो है, कब आएगा पता जब इसकी फोन करेगा तब आएगा। मैं क्या हुआ, कॉपी किताब तो नहीं डाला? हाँ, ले जाओगी चल। अच्छा, तुम दोनों जाओगे, सामान बुआ ला देगी। हाँ, पढ़ाई करना। हाँ, आई तो बुआ चल उठा गए तुम दोनों, ऐसा तो नहीं लगेगा ऐसे स्माइल कर रहे हैं। स्माइल देखो बुआ के घर जाने में, चेहरे की स्माइल। तो इनको पहुंचा के आएंगे अभी, साहिल जाने लग गया है बुआ के घर। बाय। साहिल को कब से हुई थी, जब से देव पहाड़ गया तब से कह रहा था देव को तो पहाड़ भेजा, मैं जाऊंगा बुआ के घर। तो आज आई है बुआ उसको लेने के लिए, तो जा रहा है आज, अब एक दो दिन रहेगा फिर आ जाएगा। इस ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं सीधे शाम से, और देखो हमारे यहाँ कौन आया है, किन्ने दिया हमको सरप्राइज, सरप्राइज की सरप्राइज, आपको मैंने सरप्राइज दिया, वो आपको मैंने सरप्राइज दिया कहा है? मैं आ गया, तू तू ही तो है सरप्राइज, तूने दिया सरप्राइज। यहाँ पर आई मेरी दोनों बहनें, और यहाँ पर है साथ में एक आई है कलाकार, आर्टिस्ट हमारे घर आई है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, मिलवाती हूँ आर्टिस्ट से। ये देखिए क्या बना रही शिवू, है ड्राइंग शिवू, थोड़ी शर्मीली है आर्टिस्ट हमारी। मुझे भी बनानी है, मुझे भी बनाना है। कैसे हुई ये बॉल? मुझे भी पेंटिंग करनी है। पेंटिंग करनी है, चल इसको भी देती हूँ मैं कलर, अपने आप करते हैं दोनों पेंटिंग। शिवू क्या कर रही है तू, कलर कर रही? जोर से बोल। ये इसको मैं दूसरी कॉपी दूंगी, किस में कलर कर रही है? चंदा मामा में दिखा, तो कैसे हैं तेरे चंदा मामा? अरे पूरा ब्लू कलर कर दिया ना। तो इनकी हो रही है घर जाने की तैयारी, कल जा रही है मेरी बहन, जा रही है देहरादून। इससे पहले कह रहे हैं कि चलो पार्टी करते हैं, चल पार्टी कराएगी हमारी जाते। हाँ, चल हाँ, अपनी बहनों की कराती हूँ पार्टी, फिर जाएंगे घर को, गुरुद्वारे में यहीं पे करा के आती हूँ। चले फिर, चलो। ये देखिए हमारी हैप्पी ड्राइवर, 1 2 3 4 5 कहीं चालान कटेगा? कहीं चालान तो नहीं कटेगा, हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे, रास्ते में कहीं चालान ना कट जाए। हम जा रहे हैं कुछ पार्टी करने के लिए गुरुद्वारे में, इतने दिन बैठे हैं। अच्छी ड्राइवर है ये, बैठा ले रही है सर। तू भी सीख ले इसकी ड्राइविंग, इससे ही सीखना है ड्राइविंग, मुझे भी सिखा देगी। अब झनकट की ओर पैदल पैदल घूम के चले गई है आगे। गुरुद्वारे में तो बंद है भैया की दुकान, तो अब इधर आने लग गए हम। नगरी लाइन में भी है ना एक रेस्टोरेंट। हाँ हाँ, मेरे पीछे है ना। हम कहाँ जा रहे हैं? पार्टी करने क्या खाएगा? चॉकलेट। अच्छा चलो फिर चलते हैं।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं, ऑर्डर भी आ गए हैं। ये खा रही है चिकन राइस, ये खा रही है मोमो, मेरा भी आ रहा है चाउमीन। हर्षु क्या देख रहा है? ये आ गया गाइस यहाँ पे चाउमीन, मैं भी खा लेती हूँ, इनने तो खा लिया है। ये शिवु कहाँ बैठा है भाई? ऊपर अरे कैमरा देख के सबके सब कहाँ भाग रहे हो रे? खेत से, कोई दीवार से है? अरे बोल गई वहाँ, मैंने कहा कैमरा देख के भाग रहे हैं सब। ये यहाँ खेत में गई बोल, यहाँ भाग रहे हैं राज। कैमरा से डर के दीवार में। तेरी मम्मी ताई के घर गई राज? तेरी मम्मी ताई के घर गई, फोन कर रहे थे ना। ये देखो क्रिकेट खिलाड़ी, मैंने सोचा तुम वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट प्लेयर। ये ले किसका ऊपर? अब कहाँ भागोगे? ये छुपता हुआ बच्चा क्यों? ये बैट्समैन पीयूष खोलिया, इसकी बुआ का लड़का छुपता हुआ है। क्यों शर्म लग रही है? अरे शर्मिला बच्चा। ये शुभम, नितिन खेलने देते हैं इनको क्रिकेट मैच। ये दर्शक हैं देव और लकी। तो गाइस फाइनली शाम का काम हो गया है कंप्लीट, जानवरों को बांध दिया है गोट में, अब बैठते हैं थोड़ी देर ठंडी हवा में। और ला गई हूँ मैं अब खाने के लिए आम, माइकी के आम। आज बहनें आई थी वो पहुँचा के गए, और मिलने के लिए भी आई, अब जा रही है मेरी देहरादून वाली बहन, सबसे छोटी वाली कल जा रही है, और फिर हल्द्वानी वाली भी जाने वाली है परसों नरसों, तो मिलने के लिए आए थे। फिर हम चले गए थे यहीं से पार्टी करने के लिए, गुरुद्वारे में तो बंद था, पुण्यगिरी लाइन में चले गए थे। तो फाइनली काम हो गया कंप्लीट, अब खाते हैं आम और फिर बनाते हैं खाना पीना। दोनों आम अनाती के लिए बनाना है, मैं तो खा के आ गई चाउमीन। मम्मी और देव के लिए सैल गया है बुआ के घर। और आज की वीडियो को भी रखते हैं इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक कमेंट शेयर, और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ वीडियो को करें सब्सक्राइब, चैनल को करें। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय, गुड नाइट।